जनपद में राप्ती नदी का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि जनपद की जो मुख्य नदियां हैं जिनमें गोरखपुर प्रभावित होता है, राप्ती व घाघरा, रोहिणी व आमी नदी का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे चल रहा है। यदि नदी खतरे के निशान को पार करती है तो उससे निपटने के लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। सभी अधिकारी लगातार नदियों का निरीक्षण कर रहे हैं। इसके अलावा घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, वहाँ पर बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर रखा गया है। यदि किसी तरह की समस्या होती है तो उसमें पूरी तरह से निपटने के लिए हम तैयार हैं। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए नागरिक अमर निषाद एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, दो दिनों से लगातार नदी बढ़ रही है, सुन में आ रहा है नेपाल की साइड से पानी आ रहा है, जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा है दो दिनों में। अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन जिस स्तर से बढ़ रही है उस स्तर से अगर बढ़ी तो बाढ़ आने की जल्दी से जल्दी संभावना है। लोग टहलने के लिए देख रहे हैं, संख्या घट रही है। जी टहलने आते हैं, अभी बारिश था, दो दिन बारिश हुआ इसलिए भीड़ कम है, टहलने आते हैं लोग सुबह और शाम में, ज़्यादा टहलने आते हैं, दिन में कम आते हैं। क्या लग रहा है अभी बाढ़ आएगी? हाँ लग रहा है, अगर इसी स्तर से बढ़ा तो बाढ़ जल्दी आ जाएगी। सब बोट का संचालन भी होता था, देखा रुक गया है। जी बोट का संचालन सुरक्षा की दृष्टिगत रखते हुए बोट का संचालन रोक दिया गया है दो दिनों से, ताकि ज़्यादा जलस्तर बढ़ने पर थोड़ा दिक्कत होता है और तेज बहाव होता है, इसलिए बोट का संचालन हम रोके हुए हैं। एक बोट हमारी चलती है, जैसे कोई डूब गया या कहीं और कोई दुर्घटना हो गई उसके लिए इमरजेंसी में एक बोट हम लोग स्टार्ट करके रखे हुए हैं, रहती है हमेशा, बाकी बोटों का संचालन रोका गया है। अमर निशान, यहाँ पे जो मुख्य नदियाँ हैं जिनसे गोरखपुर जनपद बाढ़ प्रभावित होता है, मूलतः राप्ती और घाघरा नदी, इसके अलावा रोहिन और आमी नदी और कुआनो नदी भी हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित करती हैं। राप्ती का जलस्तर अभी खतरे के निशान से नीचे चल रहा है, तो अभी हम लोगों की नज़र उस पर है कि यदि वो खतरे के निशान को पार करती है या बाढ़ के स्तर को प्राप्त करती है तो उसको लेकर हमारी तैयारी पूर्ण है और लगातार फील्ड में सिंचाई विभाग के अधिकारी तथा राजस्व विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी मुमरशील हैं। तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है, कहीं पर तटबंध पर कोई समस्या आती है तो उसको तत्काल समाधान किया जाएगा। हमारे सभी तटबंध सुरक्षित हैं। घाघरा नदी में पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, खतरे के निशान के आसपास चल रहा है अभी, तो वहाँ भी हमारी तहसील की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया है, सिंचाई विभाग की टीम को एक्टिवेट कर दिया गया। बाढ़ चौकियाँ हमारी निरंतर गतिशील हो चुकी हैं, तो उनके द्वारा भी इस पर नज़र बनाए हुई गया है और कोई भी समस्या आती है तो उससे हम लोग पूरी तैयारी किए हुए उससे निपटेंगे।